नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हल्द्वानी के बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अंकित चौहान की प्रेमिका डॉली उर्फ माही समेत चार अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर अब नैनीताल पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। संभावना जताई जा रही है कि फरार चारों आरोपी नेपाल में हो सकते हैं। शहर के मुख्य बाजार और बेस अस्पताल के नजदीक कोतवाली क्षेत्र से चंद कदम दूर में एक निजी होटल के पास दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बता दें, मारपीट भोजन के एक स्टॉल पर हुई है, जिसके बाद सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मारपीट में हल्का घायल हुए एक व्यक्ति को पुलिस कोतवाली लेकर आई है, जहाँ व्यक्ति द्वारा उसके साथ मारपीट करने युवक के खिलाफ तहरीर दी जाने की बात कही जा रही है। हल्द्वानी में एक बार फिर शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें, ये शव नीलकंठ कॉलोनी में एक घर में सड़ी गली लाश मिली है। वहीं घर में लाश मिलने की सूचना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस दौरान ग्राम प्रधान ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, इसके बाद शव भाई को सौंप दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में आज प्रदेश सरकार और सीएम धामी का पुतला फूंका। कांग्रेस जनों ने सर्वप्रथम शोक सभा आयोजित कर चमोली हादसे में मारे गए निर्दोष व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा के बाद जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंक कर तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से घटना की स्वयं जान जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बड़ी मांग की है। आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने, सीओ भूपेंद्र धोनी समेत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ हैडाखान मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सड़क 280 मीटर पैच धस रही है, ऐसे में इसकी सुरक्षा को लेकर प्रयास किए जाने की जरूरत है, जिसके लिए 25 लाख THDC को दिए गए हैं, जिस पर वो अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सड़क को किस फंड से बनाना है, इस पर काम किया जाएगा। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।